हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी आने वाले समय में बोर्ड की परीक्षाएं होनी हैं और जिन्हें बोर्ड की परीक्षाओं में उनके द्वारा वर्ष भर की गई तैयारी को प्रस्तुत करना है। दोस्तों, परीक्षा नाम सुनते ही प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वह किसी भी स्तर का क्यों ना हो, चाहे वह उसने वर्ष भर पढ़ाई की हो या उसने वर्ष भर पढ़ाई ना की हो, या उसे अपने सफल होने या असफल होने के विषय में संशय हो, किसी भी बालक के मन में परीक्षा का नाम सुनते ही एक भय, एक डर, एक चिंता का सा माहौल उत्पन्न होना उसके मन और मस्तिष्क में स्वाभाविक ही है। परंतु दोस्तों, परीक्षा घबराने का विषय नहीं है, अपितु आपने जो तैयारी की है, जो आपने साधना की है, उस साधना के, उस तैयारी के, उस मेहनत के प्रदर्शन का विषय है। दोस्तों, इस कोरोना काल में जहाँ पर अध्ययन और अध्यापन दोनों की गतिविधियाँ ही विशेष रूप से प्रभावित रही हैं, शिक्षकों ने अपने शिक्षक धर्म का पालन करते हुए बालकों को यथासंभव ऑनलाइन या जो भी माध्यम उनसे प्रस्तुत हो सका उससे अध्यापन कराया है। बालकों ने भी वर्ष भर अपनी तैयारी की है, किंतु एक बालक को जब परीक्षा के 2 या 3 घंटों में उसके द्वारा वर्ष भर की गई मेहनत को प्रस्तुत करना होता है मूल्यांकन के लिए, तो यह उसके लिए एक चुनौती का कार्य होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से इस चुनौती भरे कार्य, परीक्षा का पेपर, आंसर शीट कैसे लिखें, कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आने वाले समय में देश की विभिन्न बोर्ड, चाहे वो केंद्रीय बोर्ड हो, CBSE हो, ICAR हो, या विभिन्न राज्यों की जो स्टेट बोर्ड होती हैं वो हो, सभी 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उनको कंडक्ट करेंगे। CBSE ने 10वीं का परीक्षाएं ना लेने का डिसीजन लिया है, लेकिन राजस्थान में संभवतः 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षाएं होंगी और देश के अन्य राज्यों के बोर्ड भी संभवतः परीक्षाओं को कंडक्ट करेंगे। तो दोस्तों, प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वो बोर्ड परीक्षा दे रहा है या वो अन्य विद्यालय परीक्षा दे रहा है, वो परीक्षा के संबंध में उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, उसके मस्तिष्क में उसे कैसी स्थिति को बनाए रखना चाहिए, इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, राजस्थान का जो बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, उसने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जो बालक टॉप करते हैं, जिनकी कॉपी एक मानक उत्तर पुस्तिका के रूप में मानी जा सकती है, मॉडल आंसर शीट के रूप में मानी जा सकती है, उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है। तो उस मॉडल आंसर शीट के माध्यम से ही आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हमें आंसर्स लिखने चाहिए और भी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका कि हमें निश्चित रूप से ही ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारी जो वर्ष वर्ष की मेहनत है, पूरे वर्ष में जो हमने मेहनत की है, उसका सटीक प्रतिफल हमें मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें राजस्थान बोर्ड की जो वेबसाइट है, राजस्थान बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके ऑफिशियल पेज पर जाना है, और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ किस तरह से आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है राजस्थान बोर्ड की, उस पर आपको जाना है। BSER अजमेर आप गूगल पर टाइप करेंगे तो आपको RAJEDU board.rajasthan.gov.in ये साइट आपको दिखाई देगी। इस साइट पे आप जैसे ही जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पे जो पैनल दिया हुआ है, इस पैनल में नीचे की साइड model/best answers के नाम से एक कॉलम है। जब आप इस पे जाएंगे तो ये पेज आपके सामने खुलेगा। इस पे 2018, 19 और 20 की आंसर शीट आपको दे रखी है। आप यहाँ पर सेकेंडरी यानी 10वीं क्लास या सीनियर सेकेंडरी का चुनाव कर सकते हैं। हम हमारे रिव्यू के लिए यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी को चुनाव करेंगे, और मैं यहाँ पर जो पहला सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, उसी को लेकर के और उसी की नोटबुक को लेकर के आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो स्टैंडर्ड आंसर शीट है उसमें आंसर किस प्रकार से लिखे गए हैं और आपको भी कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो आप जैसे इस कॉपी वन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कॉपी खुल जाएगी, और आप अपनी सब्जेक्ट के अनुसार, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, जिस भी स्ट्रीम से आप संबंध रखते हैं, आप अपनी स्ट्रीम और अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने मीडियम के अकॉर्डिंग, यह कॉपी इंग्लिश मीडियम में है, आप चाहें जिस मीडियम में यहाँ पर बोर्ड ने जो आंसर शीट उपलब्ध करवा रखी है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है पिछले वर्ष 13 मार्च 2020 को लगी थी, अकाउंटेंसी कॉमर्स का यह है पेपर है, और इसके द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से एक विद्यार्थी को परीक्षा में अपने आंसर्स लिखने चाहिए।
सबसे पहले दोस्तों इस कॉपी की जो आपको खास बात दिखाई देगी कि इसमें कहीं पर भी काटा फांसी नहीं है, और गलती कहीं पर हो भी गई है, ऐसा नहीं है कि बालक से गलती नहीं हो सकती, गलती सभी से होती है, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। अब जब आपसे गलती हो जाती है तो आप उसको क्रॉस ना करें, एकदम ऐसे काला काला ना कर दे पेन से, उसे आप एक सिंपल लाइन के सहायता से आप काट सकते हैं, जिससे आपका आंसर कट भी जाएगा, परीक्षा जो परीक्षक है उसको आपका दिखाई भी देगा कि किस तरह से आपने जो गलत हो गया उसको काट दिया है, कॉपी भद्दी भी नहीं दिखाई देगी। तो इस प्रकार आपको करना है, और आपको जो आंसर्स पहले आते हैं उनका आपको पहले आंसर करना है। लेकिन किसी क्वेश्चन के मान लो चार पार्ट है तो आपको चारों पार्ट एक ही बार में अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा ना करें कि क्वेश्चन नंबर 4 में मान लो 4 पार्ट थे और आपने दो पार्ट एक बार कर दिए और दो बाद के लिए छोड़ दिए, ऐसा ना करें। और अगर आपको ऐसा करना पड़ रहा है तो आप उसके लिए जगह छोड़ सकते हैं, पर बेहतर रहेगा कि आप क्वेश्चन के सभी हिस्सों को, सभी पार्ट्स को एक साथ लिखने का प्रयास करें। इसी तरह से जो सेक्शन होता है, जैसे सेक्शन ए आपने जब शुरू कर दिया तो सेक्शन ए में अगर मान लो 15 प्रश्न है या 16 प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों को आप एक साथ में हल करने का प्रयास करें, उसके बाद ही नेक्स्ट सेक्शन पे जाएं। तो यहाँ पर सेक्शन ए है, इसमें बालक ने जो आंसर्स हैं उनको क्रम से जो भी उसको आंसर आते थे उनको लिखा है, तो आप भी जो आंसर आपको पहले आते हैं उन्हें आप पहले लिखेंगे। और विशेष तौर पे अकाउंटेंसी के विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो आपसे जनरल एंट्रीज पूछी जाती हैं या फिर लेजर पूछी जाती है, अकाउंट्स पूछे जाते हैं, बैलेंस शीट पूछी जाती है, जो भी आपसे पूछा जाएगा आप उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट बनाने के बाद ही आंसर करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे एक तो आपकी कॉपी की सुंदरता बढ़ती है, कॉपी में जो आंसर होता है वो एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई देता है, साथ ही एक एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बालक ने जो मूल्य हैं उनका ध्यान रखा है और एक प्रॉपर मैनर में आंसर किया है। इसके साथ ही जब आपसे प्रश्न पूछे जाएं, किसी अंतर को, जो दो चीज़ों में अंतर पूछा जाए, तो उसको अभी आप टेबल बना करके देंगे, आप इस कॉपी को देखते रहिए किस प्रकार से बालक ने नीट एंड क्लीन आंसर किए हैं, कहीं पर भी कोई भी काटा फांसी नहीं की है। अगर उससे कोई गलती हो भी गई है तो उसको सिंपल एक लाइन के माध्यम से काट के और उसके ऊपर लिख दिया है। अगर मान लो आपसे कोई बड़ी गलती हो जाती है, जैसे यहाँ पर हो गई है, तो उसको इस तरह से क्रॉस कर दिया, और वहाँ पर आपको जैसे देखो एग्जामिनर ने रेड पेन से रिपीट लिख रखा है, इस तरह से आप लिखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कहीं से आपसे गलती हो जाती है और उस क्वेश्चन को आप दोबारा कर रहे हैं तो आप एक गोला बना करके वहाँ पर रिपीट इस तरह का वर्ड लिख सकते हैं और उसको सिंपल एक लाइन के माध्यम से काट दीजिए, जैसे यहाँ पर बालक ने एक सिंपल लाइन के माध्यम से इसे कट किया हुआ है। आगे भी जहां पर भी इससे गलती हुई है, जैसे यहाँ पे गलती हुई है, तो एक सिंगल लाइन के माध्यम से उसने काट रहा है, क्रॉस ना लगाएं, एक सिंपल लाइन के माध्यम से आप उसको काट सकते हो, और वहां पर रिपीट जरूर लिख दे कि आपने इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन लिख देते हैं तो एग्जामिनर को ये संदेश जाता है कि बालक ने इस क्वेश्चन को दोबारा किया हुआ है। तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी एकदम नीट एंड क्लीन रखनी है। इसके अलावा और कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, एक जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है कि बालक के मन में ये बिंदु हमेशा बना रहता है कि टाइम कम मिला, हमारे पास तो समय ही नहीं था। तो ये समय की जो प्रॉब्लम है, एक्चुअल में ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसे हम बालक जो होता है वो अपने मन में बना लेता है कि पेपर लेंदी था, मेरे पास तो समय ही नहीं मिलेगा, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करूं, और जल्दी करने के चक्कर में एक तो उसकी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है और जो क्वेश्चन उसको अच्छे से आते हैं उनको भी वो ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाता, उनका उत्तर भी वो ठीक से नहीं दे पाता है। देखिए दोस्तों, जो एग्जामिनर होते हैं, जो पेपर सेटर होते हैं, वो पेपर की समय अवधि उन्हें भी पता है, पेपर 2 घंटे में पूरा करना है, 3 घंटे में पूरा करना है, वह उसी के अनुसार पेपर को लेंथ रखते हैं, उसी के अनुसार पेपर की लंबाई होती है, और पेपर में जो प्रश्नों का कठिनता स्तर होता है, जो भी ट्रेंड टीचर्स हैं वे सभी जानते हैं कि किस प्रकार से एक पेपर को ब्लूप्रिंट के हिसाब से हार्ड क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस, सभी के कॉम्बिनेशन बनाते हुए पेपर को तैयार किया जाता है, और उसके समय अवधि से बाहर जाने वाला कोई भी पेपर कभी भी नहीं बनाया जाता है। तो आप निश्चित रूप से चिंता मुक्त होकर के पेपर में बैठें, पेपर उतनी ही समय अवधि का है जितनी आपको प्रोवाइड की गई है, और समय को बचाने के लिए, टाइम का मैनेजमेंट करने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो भी प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल जिनके पेपर में आते हैं, जैसे अकाउंटेंसी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, और भी जो सब्जेक्ट है जहाँ पर आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों के लिए आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू एलिबरेट, यानी कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका आंसर अच्छा होगा और कम समय में आप उत्तर दे पाएंगे। तो दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो परीक्षार्थी जो वर्ष भर मेहनत करता है उसका फल केवल इस बात से
खराब ना हो जाए, इस बात से उसकी मेहनत विफल ना चली जाए कि वो पेपर ढंग से नहीं कर पाया। दोस्तों 3 घंटे या 2 घंटे जो भी आपको परीक्षा में लिखने के लिए मिले हैं उसमें आप अपने ऊपर विश्वास करके जाएं और आपकी तैयारी जो आपने की है उस पर आपको विश्वास होना चाहिए और उसके साथ आप पेपर करें। कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आते हों कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उन क्वेश्चंस को सबसे अंत में करें और जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आते हैं उन क्वेश्चंस को आप पहले करने का प्रयास करें और आप पेपर को अच्छे से पढ़ें। कोई पेपर का कोई प्रश्न आपसे छूट ना जाए इस बात का विशेष ध्यान रखें, तनाव में ना आए और पेपर को समय पर पूरा करने का प्रयास करें और कोशिश करें कि आप सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकें। जो प्रश्न आपसे नहीं आता है उसमें भी उसका जितना हिस्सा आपसे आता है उतना हिस्सा आप अवश्य लिख के आए, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर को मार्क्स देने के लिए स्कोप भी तो चाहिए। अगर आपने किसी क्वेश्चन को लिखा ही नहीं है तो वो आपको मार्क्स कैसे देगा। इस नोटबुक में आपने एक बात और महत्वपूर्ण गौर करनी है आपको कि जब भी आप आंसर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर इस बालक ने जो आंसर किया हुआ है, देखिए आप इसको, यहाँ पर जो इस बालक ने आंसर किया हुआ है यहाँ पर ये आंसर नंबर क्लियरली मेंशन किए हुए हैं, जैसे आंसर नंबर 21, आंसर नंबर 20, इस तरह से। जैसे आप ये देखो आंसर नंबर जो 19 है इसमें इसने यहाँ पर आंसर किया हुआ है और इसके बाद में इसका कोई जो भी वर्किंग नोट वगैरह बनाए हुए हैं तो उनके भी क्रम लिखे हुए हैं, तो ये क्रम लिखना ना भूलें, इससे एग्जामिनर कन्फ्यूज नहीं होगा आपने किस प्रश्न का आंसर किया है, ये उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जिनको आप ध्यान में रख करके अपनी तैयारी जो भी आपने की है उससे आप 100% एग्जाम में ज्यों का त्यों रिपीट प्रेजेंट करके आ सकते हैं और आपकी ये प्रेजेंटेशन आपको निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स जो कि आपकी तैयारी के अनुसार होंगे दिला सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।